आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। ब्लॉक प्रमुख डीग मनोज मिश्रा ने तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे पर जो कहा जनपद में बना चर्चा का विषय। खबर जनपद भदोही के डीग ब्लॉक अंतर्गत जंगीगंज से है, जहां डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा के नेतृत्व में ब्लॉक डीग के कई क्षेत्रों में 7 अगस्त से ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सहयोग से गांव-गांव अलग-अलग टीमें जाकर लोगों में तिरंगा वितरित करने के साथ ही लोगों को तिरंगे के महत्व के बारे में समझा रही हैं। बताते चले कि इस वर्ष पूरे देश में धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनपद के आला अधिकारियों सहित तमाम राजनीतिक पंडितों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं जन प्रतिनिधियों की बात करें तो मनोज मिश्रा इस दौरान और इसके पहले भी जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचकर अपनी एक अलग छवि विकसित कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। मनोज मिश्रा इस दौरान क्षेत्र में जाकर अपने हाथ से लोगों को तिरंगा बांट रहे हैं और सभी से एकजुट होकर देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए आग्रह कर रहे हैं। मनोज मिश्रा ने लोगों के बीच पहुंचकर कहा कि अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। उन्होंने कहा कि तिरंगे का सम्मान के साथ साथ यदि आसपास किसी सैनिक का घर हो तो उसके परिवार को तिरंगा अवश्य भेंट करें। इसके साथ साथ यह जरूर कहें कि हमें आपके द्वारा जन्म दिए गए देश के बेटे पर गर्व है। हो सके तो इस आजादी के पर्व पर सैनिकों के घर जाकर उनके परिजनों को सम्मानित भी करें और यदि कोई सैनिक छुट्टी पर आया हो तो उसका सम्मान अवश्य करें। देशव्यापी अभियान को सफल बनाने के लिए आज 13 अगस्त 2022 दिन शनिवार को मनोज मिश्रा के नेतृत्व में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान तिरंगा यात्रा का काफिला जनपद भदोही अंतर्गत डीग ब्लॉक के कई गांवों से होकर गुजरा। तिरंगा यात्रा जैसे जैसे अलग अलग गांवों से होकर गुजरी धीरे धीरे एक विशाल जनसैलाब इस यात्रा का हिस्सा बनता रहा। काफिला जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगीगंज पहुंचा तो मनोज मिश्रा द्वारा इस स्थान पर तिरंगा फहराया गया और इसके बाद सबने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मनोज मिश्रा ने कहा कि यह पहली बार है जब तिरंगे की छांव में पूरा भारत मुस्कुरा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सपना साकार हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा के नेतृत्व में अब तक 11,000 से ज्यादा तिरंगे बांटे जा चुके हैं। मनोज मिश्रा ने कहा कि यदि किसी के पास तिरंगा ना हो तो वह हमें सूचित कर सकता है, हमारी टीम द्वारा उसके पास तिरंगा पहुंचा दिया जाएगा। मनोज मिश्रा ने कहा कि अभी हर घर तिरंगा अभियान अग्रसर है, ऐसे में हमारी टीम हर घर तक तिरंगा पहुंचाने में पूरी ताकत झोंक रही है। इस दौरान मनोज मिश्रा के साथ साथ प्रमुख रूप से रामकृष्ण मिश्रा, सुशील मिश्रा, ओम बाबा, प्रदीप मिश्रा, जयशंकर तिवारी, देवी चरण मिश्र, संजय मोचा, भदोही की राजनीति में उभरता युवा चेहरा मोहित मिश्रा, विपिन शुक्ला, कोमल मिश्रा, सत्येंद्र उपाध्याय, मोती यादव, रमेश मिश्र प्रधान, राजन, मनीष मिश्रा, राजीव मिश्रा, आकाश, शुभम, सुरेश मिश्रा, जयशंकर शुक्ला, मंगरू यादव आदि उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। आइए जरा अब इस संबंध में डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा का बयान सुनवाते हैं। क्या कार्यक्रम रहा आपका आज? जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के जो है सपनों को साकार करने के लिए जो भारत अग्रसर है उसी तहत में 13 तारीख से लेकर 15 तारीख अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है आज से सरकारी भवनों पर जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। उसी के तहत जो है प्राथमिक स्वास्थ्य के जंगीगंज में एक तिरंगा यात्रा निकाला गया, उसके तहत आके यहाँ झंडारोहण किया गया। झंडा भारत की आन बान शान है और उस संकल्प को हम सब दोहरा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार कर रहे हैं जो है। और भारत देश में आज पहली बार ऐसा व्यवस्था हो रहा है कि हर व्यक्ति झंडा लेके चल रहा है, हर घर पे तिरंगा फहरना चाहिए। यही मेरा लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है। और 15 अगस्त परसों है, उसको बड़ी खुशहाली से लोग मनाए। यह लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।